देख सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक बार बाकी के बच्चों को आने दो, फिर एक बार हम लोग कुछ देशभक्ति गाना लगाएंगे और हम लोग सब लोग गाएंगे, ठीक है? सो वी विल जस्ट वेट फॉर द किड्स। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब तक वो लोग आ रहे हैं एटलीस्ट हम लोग रिविजन शुरू कर लेते हैं ताकि उन लोगों का भी नुकसान नहीं हो और साथ ही साथ हमारा टाइम भी जो है वो यूटिलाइज हो जाए। एवरीवन इज सपोज टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रिविजन प्रोसेस। एक तो सब लोग प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन। 70 साल की उम्र नहीं हुई आपकी, अच्छे से बैठोगे और अच्छे फ्रेश माइंड के साथ आप इन सवालों का जवाब दोगे। ट्राई टू गिव द आंसर्स, इफ नॉट एटलीस्ट अगर नहीं आ रहा है जवाब देना, सुन लो कि मैंने क्या रिवाइज करवाया है और वहीं पे याद करने की कोशिश करो। इवेंचुअली क्लास हमने लगाई है ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में तो आए और ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लास में याद भी हो जाए, तो सिर्फ इसको देखने से चीजें अंदर नहीं चली जाएगी, साथ में एफर्ट भी लेना है, बोलना है, नहीं बोल पा रहे हो तो एटलीस्ट देखकर उसको तब के तब लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाओगे आप लोग, ठीक है? बताइए मुझे, हु हैज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल फॉर अ मीटिंग? मतलब क्या सिंगल डायरेक्टर मीटिंग बुला सकता है? अगर पावर है क्या सभी डायरेक्टर्स के पास मिलकर है? बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? तब ये जो कोई और है क्या वो ऑथराइज रहेगा मीटिंग बुलाने के लिए? नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लोग बताओगे व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? 21 क्लियर डेज, जिसमें 4 दिन एक्सक्लूड किए जाते हैं। कौन से 4 दिन? डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग और 2 डेज फॉर ट्रांसमिशन। उसके बाद आप लोग बताओगे मुझे, क्या बताओगे आप लोग, नोटिस किन किन लोगों को दी जाती है? ईच एंड एवरी मेंबर। अगर मर गया है तो फिर इंसॉल्वेंट हो गया तो साथ ही साथ ऑडिटर और साथ ही साथ डायरेक्टर। कंटेंट क्या होता है नोटिस का? कंटेंट, कंटेंट वो एजेंडा है, एजेंडा। कंटेंट मतलब क्या क्या लिखा जाता है, डे प्लेस टाइम और एजेंडा। एजीएम में अड्डा एंड अदर देन अड्डा होता है, ठीक है? अड्डा इज ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एनीथिंग दैट इज नॉट अड्डा विल बी नोन एज अ स्पेशल बिजनेस अलोंग विद दैट। अच्छा ठीक है, चलो बता ही दो, अड्डा फुल फॉर्म बताओ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनीथिंग दैट इज नॉट अड्डा विल बी रिगार्डेड एज अ। हर स्पेशल बिजनेस के लिए क्या लगता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए में क्या मटेरियल फैक्ट्स लिखे जाते हैं जिनके बेसिस पे मेंबर डिसाइड करता है कि रेजोल्यूशन में फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हर मीटिंग वैलिड होने के लिए क्या एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है, इस फैन को बंद कर दो ना प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है देयर शुड बी अ प्रॉपर कोरम। व्हाट इज अ कोरम इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। व्हाट इज अ कोरम इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी? 5, 50, 30। आर्टिकल्स में क्या फिगर्स को इंक्रीज कर सकते हो? बट yes. आप ये कोरम के नंबर को डिक्रीज नहीं कर सकते। कोरम शुड बी प्रेजेंट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग। अगर कोरम फर्स्ट हाफ एन आवर में प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग का क्या स्टेटस होगा? द मीटिंग विल बी अजर्न टू द सेम डे सेम प्लेस एंड इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट एंड द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, तब क्या होगा? द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। अच्छा 2 मिनट रुक जाते, बैठ जाओ बेटा, आप लोग सेटल हो जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ऑक्सकॉर्ड भी देना। और कोई है कि सारे बच्चे आ गए अभी? आ जाओ बेटा जल्दी से, अभी भी आ ही रहे।
आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ भी नया टॉपिक चालू नहीं किया है, सो डोंट वरी, सिर्फ 2 मिनट रिवाइज किया है, दैट्स इट। आप लोगों के लिए ही वेट कर रही थी मैं। प्लीज इन लोगों को जगह दो, ऐसे मत करो यार। सुनना, इसका नाम क्या है? हर्षद, 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 सुनना, देख देखना किधर जगह है, इन बच्चों को बिठा दो, इधर आ जाओ, इधर है ना जगह, इधर चार चार बच्चे ही बैठे यार, थोड़ा सा बेटा आपको स्क्वीज, बेटा इधर से आ जाओ, इस दरवाजे से आ जाओ, इधर ये लोग जगह बनाएंगे, बेटा उन लोगों के लिए जगह बनाओ, है ये खोलना है क्या सेक्शन? आप फर्स्ट बेंच पे बैठोगे, बैठ जाओ। अरे यहाँ बेटा बैग्स रखो, नीचे रखो बैग्स, नीचे रखो, इनको बैठने दो, शिफ्ट हो जाओ, अंदर शिफ्ट हो जाओ, बेटा आप दोनों इधर बैठ जाओ फर्स्ट बेंच पे, इधर आ जाओ बेटा, तू इधर इधर आ जाओ, इधर तो तुझे भी कंफर्टेबल होगा, बीच में इधर आ जाओ ना, हाँ आ जाओ बेटा, शिफ्ट हो जाओ, उनको बैठने दो, तुझे बैठने के लिए जगह है, हाँ बैठ जाओ उधर, अच्छे दोस्त है तेरे पास, बेटा आप लोगों को यहाँ पे मिल गई जगह बैठने के लिए, देखना अर्षद किधर क्या है, उन लड़कियों को जगह नहीं है बैठने के लिए, और बच्चे आ ही रहे हैं, कहाँ है क्या, इतना मैंने किया और अभी आप लोग उधर चले जा रहे हो, ठीक है जाओ अभी बैठ जाओ बेटा, अभी कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है इतनी मेहनत की मेहनत जगह बनाई, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी सच में, कोई बात नहीं, अब क्या ही बताए आपको, क्या दर्द है, आई नो, हाँ अभी रहने दो, अब मैं किसी के लिए जगह नहीं बनाने वाली हूँ यू आर स्मार्ट इनफ, क्या हुआ, और किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ डाउट है, ठीक है चलो हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फॉर ऑल द लेट कमर्स, वी डिड नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, वी वर जस्ट रिवाइजिंग वट एवर वी डिड टिल येस्टरडे, इनफैक्ट रिविजन भी हमारा अभी तक 103 तक ही पहुंचा है, थोड़ा सा रिविजन हम लोग कंटिन्यू कर लेते तब तक आप लोग थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, अभी आप लोग हावले जैसे कर रहे हो, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, एक तो आप लोगों की जगह चली गई है हर रोज की, उस दर्द में आप अलग हो, बट आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, अभी आप लोग थोड़ा सा सेटल हो जाओ जब तक मैं रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जब नया टॉपिक चालू करेंगे तब तक यू हैव टू पे फुल अटेंशन ऑन वट एवर आई एम टीचिंग, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। हम यहाँ पे थे कि अगर मीटिंग इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट, आवाज बढ़ा लेना अभी, एंड द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, देन वॉट विल हैपन इज द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। साथ साथ में आप लोग मुझे बताओगे कि कोरम में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स काउंट किए जाते हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव काउंट किए जाते हैं, क्या प्रॉक्सी काउंट किया जाता है, और प्रॉक्सी से याद आया अगला ही सेक्शन जो हमने क्लास में किया था, दैट वाज सेक्शन नंबर 105 व्हिच वाज रिलेटिंग टू प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को अपॉइंट किया जाता है कौन से फॉर्म नंबर में, बोलो, MGT 11 व्हिच इज सबमिटेड विद द कंपनी विद इन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। प्रॉक्सी जो होता है, आप लोग मुझे बताओगे प्रॉक्सी क्या मीटिंग में बोल सकता है, क्या वो लिख सकता है, क्या वो पोल डिमांड कर सकता है, क्या वो वोट कर सकता है बाय वे ऑफ अ पोल, कैन ही बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। उसके साथ साथ प्रॉक्सी जो है मीटिंग में गया, मेंबर भी गया, प्रॉक्सी ने भी वोट किया, मेंबर ने भी वोट किया, किसका वोट वैलिड होगा, मेंबर का वोट वैलिड होगा। एज अ मेंबर क्या आप प्रॉक्सी डिपॉजिटेड इंस्पेक्ट कर सकते हो, बट यू विल हैव टू गिव अ 3 days प्रायर नोटिस, और ये इंस्पेक्शन कब से शुरू कर सकते हो, 24 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, एंडिंग अप टू द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, है ना। अच्छा आप लोग मुझे बताओगे पहला प्रॉक्सी एंड लेटर प्रॉक्सी किसका वोट वैलिड होगा, प्रोवाइडेड ये लेटर प्रॉक्सी का प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास विद इन द टाइम लिमिट पहुंच गया है। चेयरमैन मीटिंग को प्रिसाइड करता है, ही सीज टू इट कि मीटिंग में डेकोरम मेंटेन्ड है, चेयरमैन यूजुअली अपॉइंट होता है बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बट अगर आर्टिकल्स साइलेंट है, मेंबर्स अमंग्स देमसेल्व्स विल अपॉइंट समबडी टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग,
और चेयरमैन का कास्टिंग वोट एक्सरसाइज होता है, कब होता है? When there is equality of votes, whenever the resolution that is to be passed is an ordinary resolution. अगला ही सेक्शन फिर आ गया हमारा 114. और कब पास होता है बोलो? When the votes in favor are more than the votes cast against the resolution. फर्क नहीं पड़ता है वोटिंग शो ऑफ हैंड से हुआ है, पोल से हुआ है, ई वोट से हुआ है या पोस्टल बैलेट से हुआ है. क्या इंपॉर्टेंट है? कितने वोट फेवर में आए और कितने वोट अगेंस्ट आए. वैसे ही एसआर कब पास होता है बताओ? वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस दैन 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. फिर हमने कल 3 चीजें देखी थी रिलेटिंग टू वोटिंग, 107, 108, 109, जिसमें से 108 वाज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 108 किससे रिलेटिंग था? ई वोटिंग. पहली बात तो बताओ, हर एक कंपनी जो लिस्टेड है या जिसमें 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है, क्या उसको अपने मेंबर्स को ई वोटिंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा? अच्छा, ई वोटिंग की फैसिलिटी जब कभी भी कंपनी देती है, नोटिस में डे प्लेस आर एजेंडा तो लिखती है, बट उसके साथ साथ क्या ये भी लिखती है कि हम हमारे मेंबर्स को ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं? आपका लॉगिन आईडी, स्टेप्स टू जनरेट द पासवर्ड, वो यूआरएल लिंक, ये सारी चीजों के डिटेल्स जो होते हैं लिखे जाते हैं आपके नोटिस में. प्लस वेबसाइट पे भी लिखा जाता है कि आपकी कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है. प्लस 2 newspaper में भी, कौन से 2 newspapers? एक इंग्लिश और एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर. बेटा फोन ले ले हम आपका. हाँ ठीक है, फिर फोन नहीं यूज करना है, ठीक है. क्या कहा मैंने? हाँ, 2 newspaper में क्या करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट भी देते हैं रिलेटिंग टू द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द मेंबर्स. ई वोटिंग की फैसिलिटी कम से कम कितने दिनों के लिए ओपन रहनी चाहिए? एंड इट शुड क्लोज बाय 1 day बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग. कितने बजे तक? 5 बजे तक. क्या एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाता है? जो होता है एक प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA एडवोकेट, जो क्या करता है, क्या करेगा, जैसे ही पोर्टल ब्लॉक होता है वो क्या करेगा, वोट्स को अनब्लॉक करेगा और देखेगा कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट वोट किया, एक रिपोर्ट बनाएगा. ही विल वेट. नहीं नहीं, एक तो अब उसने रिपोर्ट बनाई है ऑनलाइन वोट्स की, फिर ही विल वेट के चेयरमैन फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करेगा, फिर चेयरमैन स्क्रूटनाइजर को रिपोर्ट करेगा फिजिकल मीटिंग में कितने लोगों ने फेवर वोट किया और कितने लोगों ने अगेंस्ट वोट किया. अब स्क्रूटनाइजर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा कि फाइनली टोटल वोट्स फेवर में इतने, टोटल वोट्स अगेंस्ट इतने, और फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ. एज अ मेंबर क्या मैं ई वोट कर सकती हूँ? बट फिर भी क्या मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ? बट मैं क्या मीटिंग में वोट कर पाओगे? अच्छा, क्या मैं अपना वोट चेंज कर पाओगे? और एक बार जो वोट कर लिया, क्या वोट कर लिया? नाउ वंस वोट कास्टेड इज अ वोट कास्टेड फॉर एवर, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी टेकन बैक. आई विल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन इन द एक्चुअल फिजिकल मीटिंग. और यही जो रिजल्ट है क्या वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाता है? सो ऑल दीज वर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ई वोटिंग. व्हाट वाज इट रिलेटिंग टू? अच्छा, अगर जॉइंट मेंबर्स है, जॉइंट मेंबर्स वोटिंग कैसे एक्सरसाइज होता है? हु विल बी अलाउड टू वोट? जिसका नाम पहले लिखा गया है एज द फर्स्ट होल्डर, दैट पर्सन विल बी अलाउड टू वोट. शो ऑफ हैंड्स का बताओ प्रिंसिपल क्या होता है? वन मेंबर और पोल का क्या होता है? वन शेयर वन वोट. सो ऑल दीज वर द थिंग्स दैट वी डिड यस्टरडे. अब वोटिंग से रिलेटेड आज एक ही पॉइंट बचता है एंड दैट इज अ पोस्टल बैलेट. बट बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक, आज के दिन तो बनता है, आज 15th of August है, हम लोग एक नेशनल सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद क्लास के सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है? इसको क्या हो गया? I would request every one of you all to please stand up and please stand straight. No fidgeting with your mobile phone. And do not do anything else. Please have respect. Kya hua? Oh, acha. Main hi udhar aa jaati hu, ek kaam karte hu.
अगर आप लोग कि सिर से शायद से ब्लॉक हो रहा है तो मैं उधर आ जाऊँ क्या? चलेगा? जैसे तू बोले वैसे बुलाऊँ क्या उधर आपके पास? किधर ही रुको, स्क्रीन स्विच करना है। लिरिक्स तो आता होगा ना आपको? चलो शुरू करें, मैं आती हूँ इधर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। क्या वाइब है, क्या एनर्जी है। एंड यस नाउ यू ऑल कैन बी सीटेड। क्या बात है, हर रोज करना चाहिए ये। आप लोगों की नींद तो खुल गई। नहीं बट पॉजिटिविटी आ जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है, फील्स गुड। आ जाइए, कम ऑन गाइस। Virtual kids, I hope you all were standing and respecting our country. ये लोग तो नींद में से उठे हो गए अभी अभी। नहीं बट आई थिंक जब अगर नेशनल एंथम प्ले किया है तो वो लोग इज्जत में खड़े रहे हुए। ओके सो यस सेक्शन नंबर 110 विच इज रिलेटिंग टू पोस्टल बैलेट। एक बार ये देख लेते हैं हम लोग पोस्टल बैलेट के बारे में क्या कहा गया है, क्या हो क्या रहा है। बेटा संभालो अपने आपको। ठीक है सीरियसली यार, मैंने बोला तो कोई इज्जत नहीं है, हेमंत भैया ने बोला तो फिर हाँ बस ठीक है। हेमंत अलग फैन फॉलोइंग है तेरा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, पोस्टल बैलेट पे आप आ जाइए। ये देखो तुम लोग ना सीरियसली, पर क्या तुम पहले डिसाइड करो तुमको करना क्या है। आ जाओ अभी, अभी कोई भी म्यूजिकल चेस नहीं खेलेगा, अपनी अपनी जगह जो मिली उधर इज्जत में बैठेगा। ठीक है आ जाओ यहां पे। 110 पोस्टल बैलेट पेज नंबर ना 7.36 के एंड पे है, बट आप लोग इधर आ जाओ 7.37 पे आ जाओ, क्योंकि ये सेक्शन क्या कह रहा है ये देखो। ओके यू ऑल आर देयर 7.37। ये सेक्शन कहता है अ कंपनी शाल। जब ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है इज इट कंपल्सरी और ऑप्शनल? अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट has by notification declared to be transacted only by means of a postal ballot. इस सेक्शन कहता है
कि आपकी कंपनी जो है उसको कंपल्सरी, शाल मतलब क्या, कंपल्सरी, वो सारे ट्रांजैक्शंस, कौन से सारे ट्रांजैक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उसको कैरी आउट करना होगा. ओनली, ओनली मतलब यू डोंट हैव एन ऑप्शन, इट इज कंपल्सरी बाय मींस ऑफ अ पोस्टल बैलेट. ओनली बाय मींस ऑफ अ पोस्टल बैलेट. इतना हमें समझ में आया इतना रीड करके. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया है और कहा है ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो आपको कैरी आउट करने होंगे बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. सवाल पहले तो ये उठता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन किया है? क्या ये ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए है जो वो चाहता है कि कंपल्सरी पोस्टल बैलेट से ही हो? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ 10 ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया है और कहा है ये जो 10 ट्रांजैक्शंस है कंपनी को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है. इन 10 ट्रांजैक्शंस का वोटिंग कैसे होगा? पोस्टल बैलेट. हम लोग कल से वोटिंग दिख रहे हैं. वोटिंग में हमें मेंबर्स का ओपिनियन चाहिए कि आर दे इन फेवर और आर दे अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. और वोटिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है. देखो मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए कि जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इस सैटरडे और संडे क्लास में छुट्टी दे दे? हाँ, तो अब देखो कैसे. अब मैंने आपको जब ये सवाल कैसे हो यार मतलब जब मैं आपको ये पूछती हूं, अभी एक तो आपने मुझे वर्बली हाँ बोल दिया ओरली, फिर हो सकता है मेरे को अगर आपसे जवाब चाहिए मैं आपको बोल सकती हूँ whoever wants कि ये वीकेंड लॉ की क्लास में छुट्टी रहे प्लीज रेज योर हैंड. ओके वेरी गुड. फिर उसके बाद कल जैसे हमने पोल लिया था, अगर बोल कर नहीं, अगर हैंड रेस करके नहीं, मुझे लगता है आई बिलीव ऑन द सिस्टम. तो अब मैं क्या करूंगी सिस्टम में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं छुट्टी चाहिए तो मुझे विश्वास नहीं है, तो मैं बोला सिस्टम से मैं वोटिंग करवाऊंगी तो बच्चा इज्जत में है, एक पर्सन एक ही वोट करेगा. आई कैन गेट द वोटिंग डन थ्रू अ पोल. यहां पे हो क्या रहा है आप समझो, चाहे शो ऑफ हैंड्स है, चाहे पोल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, इवेंचुअली मेंबर क्या चाहता है उसका ओपिनियन कंपनी तक पहुंचा रहा है. हमारा सिर्फ जरिया अलग अलग हो सकता है. इवेंचुअली मैंने आपको पूछ लिया कि क्या आप चाहते हो वीकेंड छुट्टी हो, अभी चाहे आप हाँ बोलो, चाहे आप रेज योर हैंड करो, चाहे आप पोल में हाँ बोलो, मेरे को जो जवाब मिलना था क्या मिल जा रहा है? नहीं आ रही बात समझ में, क्या आ रही है? वैसे ही और एक तरीका है जिसको हम कहते हैं पोस्टल बैलेट. ये भी वोटिंग का एक तरीका है. जहां पे हो क्या रहा है, जहां पे और कुछ नहीं, बस हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंबर जो है उसका क्या ओपिनियन है ऑन अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन दैट इज पुट अप इन द मीटिंग. कि क्या वो चाहता है ये काम किया जाए, कि क्या वो चाहता है कि ये काम ना किया जाए. तो पोस्टल बैलेट में आप क्या करते हो, आप पोस्टल बैलेट में मेंबर्स को चिट्ठी भेजते हो उनके घरों में. यहां पे फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है. अगर आप देखोगे शो ऑफ हैंड्स में क्या फिजिकल मीटिंग हो रही थी, पोल में भी क्या फिजिकल मीटिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मींस में दोनों हो रहा था. हाँ ना, इलेक्ट्रॉनिक मींस का वोटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल मीटिंग. ई वोटिंग क्या सब्स्टिट्यूट कर लेगा फिजिकल मीटिंग को? हम तो कह रहे हैं ई वोट भी कास्ट करो और फिजिकली मीटिंग में भी जाओ, वो भी अलाउड है. अलाउड है ना? Yes. कल तो डिस्कस किया था ई वोटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल मीटिंग्स. फिजिकल मीटिंग तो होने वाली है. हम कह रहे हैं फिजिकल मीटिंग में अगर आ सकते हो तो क्या बात है, नहीं आ सकते हो तो भी क्या ही बात है, आप ई वोट कास्ट कर लो, कम से कम आपका जो ओपिनियन है वो हमारे तक पहुंच जाएगा. बट पोस्टल बैलेट में देयर इज नो फिजिकल मीटिंग एट ऑल. पोस्टल बैलेट में देयर इज नो फिजिकल मीटिंग एट ऑल. हो क्या रहा है,
जो भी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 ट्रांजैक्शंस नोटिफाई किए हैं, ये 10 ट्रांजैक्शंस अगर आप कैरी आउट करना चाहते, कौन से 10 ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, ये 10 ट्रांजैक्शंस अगर आप कैरी आउट करना चाहते हो, फिजिकल मीटिंग होगी नहीं, तो क्या होगा, बैलेट पेपर्स मेंबर्स के घरों में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है, बैलेट पेपर्स मेंबर के घरों में पहुंचाया जाएगा और मेंबर को बोला जाएगा ये रेजोल्यूशन पास होने वाला है, ये पुट अप किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर यू इन फेवर और आर यू अगेंस्ट, एंड देन मेंबर को 30 दिनों के अंदर ही हैज टू मेक इट श्योर उसका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई देकर ये चिट्ठी वो वापस से कंपनी के पास पोस्ट कर ले विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, क्योंकि 30 दिनों के बाद अगर कोई चिट्ठी आती है तो फिर वो वैलिड चिट्ठी नहीं मानी जाती है। तो आपको करना क्या है, 30 दिनों के अंदर यू आर सपोज टू मेक इट श्योर दैट योर रिप्लाई रीचेस द कंपनी, पोस्टल, नाम में लिखा है पोस्टल, पोस्टल आपको पोस्ट किया जाएगा वो बैलेट पेपर, एंड इन फैक्ट द पेपर इज ऑलरेडी अ प्रीपेड एनवलोप, प्रीपेड एनवलोप आपके पास पहुंचा जाएगा, आपको बस हाँ या ना में टिक करना है और वापस से मेक इट श्योर करना है कि कंपनी के पास आपका रिप्लाई कितने दिनों के अंदर पहुंच रहा है, 30 दिनों के अंदर पहुंच रहा है, फिर देखा जाएगा कितने वोट फेवर में कितने वोट अगेंस्ट, बट कितने वोट फेवर में और कितने वोट अगेंस्ट डायरेक्टर्स नहीं देखेंगे, क्यों, हाँ यहां पे भी स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्टर क्यों नहीं देखेगा बताओ आप, अरे डायरेक्टर मैनिपुलेट कर लेगा वोट्स, कोई तो इंडिपेंडेंट पार्टी चाहिए ना जो देखे इतनी सारी, अरे आप लोग स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या होता था, जब हम लोग 8th 9th 10th में होते थे, हमको ना हेड गर्ल अपॉइंट करने का वोटिंग अलाउ किया जाता था, तो ऐसे कैंडिडेट्स होते थे जो हेड गर्ल की पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, और एज किड्स एज स्टूडेंट्स 8th 9th 10th में हम लोग क्या करते थे, हमको एक पेपर दिया जाता था और फिर उस पर लिखा जाता था आप कौन चाहते हो, हेड गर्ल बने, वाइस हेड गर्ल बने, स्पोर्ट्स कैप्टन बने, फिर हम लोग नाम के आगे टिक करते थे, चिट्ठी को फोल्ड करके ऐसा एक डब्बा होता था, उस डब्बे में हम लोग डालते थे, आपके स्कूल्स में होता था, इट्स काइंड ऑफ अ पोस्टल बैलेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ पोस्टल बैलेट इज, आपको चिट्ठी दी जाएगी, चिट्ठी में आपको टिक करना है और चिट्ठी को वापस से आपको पोस्ट बैक करना है, ये जो चिट्ठी खोलते हैं क्या ये कैंडिडेट्स खोलेंगे, नहीं तो ये कैंडिडेट मैन्युपुलेट कर लेगा, प्रिंसिपल या तो वाइस प्रिंसिपल या तो टीचर्स की हेड जो रहती है क्या वही चिट्ठी को अनब्लॉक करती है, ये हमारे स्क्रूटनाइजर है, फिर वो देखेंगे कितने वोट गीता के नाम पे, कितने वोट सीता के नाम पे, कितने वोट रीता के नाम से, और जिसको सबसे ज्यादा वोट गीता को, क्या गीता हेडगर्ल बन जाएगी, सिंपल सी बात, ये स्क्रूटनाइजर वही होगा, एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो एक प्रैक्टिसिंग सीए में एडवोकेट होगा, जो वोट्स को खोलेगा अनब्लॉक करेगा, देखेगा कितने फेवर कितने अगेंस्ट, और उस हिसाब से डिसाइड होगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, इसको क्या कहते हैं, पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट में देर इज नो फिजिकल मीटिंग, और इट्स कंपल्सरी टू कैरी आउट अ पोस्टल बैलेट फॉर दीज 10 ट्रांजैक्शंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, बट आगे सेक्शन कहता है एंड कंपल्सरी और ऑप्शनल, सेकेंड वाला पॉइंट कहता है, ये बी पॉइंट दिख रहा है क्या, सेकेंड ए वाला पॉइंट कंपलसरी था या ऑप्शनल था, शाल के ऊपर लिख दो जिनको नहीं पता है, कंपलसरी, और मे मतलब क्या, ऑप्शनल, पूरा लिखो कंपलसरी, कॉम्प ने तो आप सोचोगे क्या है ये, कंप्यूटर है क्या, तो ये जो 10 ट्रांजैक्शन सीजी ने नोटिफाई किया क्या इसके लिए आपको कंपलसरी पोस्टल बैलेट से ही रेजोल्यूशन पास करना होगा, yes.
ये वोटिंग का एक तरीका है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और मे में कहा गया है, मे में, एंड अ कंपनी मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम अदर देन ऑर्डिनरी. विच बिजनेसेस आर अदर देन ऑर्डिनरी? यहां पे कहा है अड्डा के अलावा, मतलब ये बिजनेस कौन सा है? स्पेशल बिजनेस. तो कंपनी अगर चाहे अड्डा के अलावा अगर कोई बिजनेस करना चाहती है, वो बिजनेस वो ट्रांजैक्ट कर सकती है बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. इन शॉर्ट, अड्डा क्या आपको कंपल्सरी मीटिंग में ही करना होगा? अड्डा एजीएम में होता है और एजीएम कंपल्सरी फिजिकल कंडक्ट की जाती है. एक बार तो हम चाहेंगे ना कि डायरेक्टर्स मुंह दिखाई करें, समझ रहे हो आप? साल भर उन्होंने क्या किया है, क्या हमको, हम कौन है ओनर्स, पता होना चाहिए साल भर कंपनी में हुआ क्या है. इसलिए अड्डा आपको करने के लिए फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते. इसलिए सेक्शन भी क्लियरली कहता है आपको पोस्टल बैलेट करना है, आप करो, बट नॉट फॉर अड्डा, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस. आपको उसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन के लिए वोटिंग करना है, आप वोटिंग करो बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. अड्डा के लिए आपको फिजिकली शेयर होल्डर्स को फेस करना ही पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में आपको उनको विजन बताना ही पड़ेगा, करंट फाइनेंशियल्स जो बने वो आपको अडॉप्ट करवाना ही पड़ेगा. इसके लिए आप पोस्टल बैलेट से शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस योर ओनर्स. अदर देन अड्डा अगर आपको कुछ करना है तो फिर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू मीटिंग, मतलब ना करते हुए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट ले सकते हो. उसमें भी ऐसा लिखा है, देखो, मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डायरेक्टर्स और द ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड इन अ मीटिंग. कुछ कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्टर या ऑडिटर को बोलने का हक होता है, बोलने का. तो ऐसी भी मीटिंग आप पोस्टल बैलेट का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो, आपको फिजिकली मीटिंग बुलानी पड़ेगी और डायरेक्टर और ऑडिटर को जो बोलना है वो बोलने का मौका देना पड़ेगा. आप बोलोगे मैम कब कब इनको मौका मिलता है बोलने के लिए, जैसे कि आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में, ऑडिटर को निकालने के पहले एन ऑडिटर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ही हैज अ राइट ऑफ बीइंग हर्ड. ओके, अगर उसको निकाला जा रहा है उसको क्या बोलना है अपने पक्ष में, क्योंकि ऑडिटर वो बंदा होता है जो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा है. अगर उसको निकाला जा रहा है, इवन द शेयर होल्डर शुड नो कि ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर्स कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, ऑडिटर मना कर रहा है या ऑडिटर ने फ्रॉड को पकड़ लिया है इसलिए उसको प्रेशराइज कर रहे हैं निकालने के लिए, या उसको रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, हो सकता है ना ऐसा कुछ मैन्युपुलेशन. इसलिए ऑडिटर हैज अ राइट टू बी हर्ड. ऐसे रेजोल्यूशन जहां पे ऑडिटर या डायरेक्टर को बोलने का मौका मिलता है, इस केस में आप बताओ आप पोस्टल बैलेट से ओपिनियन नहीं ले सकते. उसके अलावा जब कभी भी आपको पोस्टल बैलेट करना है आप पोस्टल बैलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूं. अब हम लोग ये 10 बातें जो है जो एक्ट में लिखी गई है जो आपको कंपल्सरीली करनी होगी बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं. कहां पे मैं आपको बताती हुई है, एक मिनट, कहां पर है ये प्रोविजन, ये रहा 39 पे, 39 पेज नंबर 39. सेक्शन नंबर 110 के द्वारा आप लोग जानते हो 10 बातें जो आपको पोस्टल बैलेट के ही थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है. कौन से वो 10 ट्रांजैक्शन है जहां पे वोटिंग पोस्टल बैलेट के द्वारा ही होने वाला है? सबसे पहले ये देखिए, अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम. आपको पता है हर कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम में लिखा जाता है नाम और काम, और आर्टिकल्स में लिखा जाता है इसी काम को आप करोगे कैसे. आप कंपनी का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हो.
मतलब जो पर्पस के लिए कंपनी बनी है उसी को आप चेंज कर रहे हो. से फॉर एग्जाम्पल एसपीसी बना है सीए के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए. अब अचानक से हम लोग सोच रहे क्या मरमर करना है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, रक्षाबंधन है, यहाँ पे आओ चीख चीख के बच्चों को चिल्लाओ, बच्चों को कुछ लेना देना नहीं है, क्या प्रोफेशन में आ गया, छोड़ो ये नहीं करना है, बंद. अब एसपीसी चालू करेगा. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा एक कोरेगांव पार्क में अल्कोहल की दुकान ही चालू कर लेते हैं कम से कम. अरे कितना खुश हो गए हैं, हर सैटरडे बच्चा हमारे पास आएगा, मतलब जो भी है. बट आप बताइए मुझे लॉयल्टी फैक्टर, आप बताओ मुझको एसपीसी अचानक से एडुकेशन बंद करके यहाँ पे अब एसपीसी दारू वाला चालू कर रहा है, एसपीसी टेका वाला, एसपीसी बियर वाला, सीए दारू वाला. आप बताइए इतना बड़ा चेंज हम ला रहे हैं, मतलब द वेरी पर्पस फॉर विच वी इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी इज चेंजिंग. क्या आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्लाई करें? और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है ऐसे रेजोल्यूशन का वोटिंग जो है ना दैट विल हैपन बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. क्योंकि पोस्टल बैलेट इज वेरी कंफर्टेबल सिस्टम विद एवरीवन. घर बैठे बैठे आपको चिट्ठी मिल रही है, प्रीपेड एनवलप है, टिक्का 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 करना है और चिट्ठी को बंद करके लाल डिब्बे में तो डालना है, क्या ही करना है आप लोगों को. तो इसलिए हमने कहा है कि ये रेजोल्यूशन तो हम पास करवाएंगे ओनली बाय वे ऑफ अ पोस्टल, क्योंकि फिजिकल मीटिंग की हम गारंटी नहीं ले सकते. सिर्फ फिजिकल मीटिंग में कोई आया ही नहीं, सर और मैं ही आए, हम दोनों ने भी हाँ बोल दिया, ऑल द वोट्स आर इन फेवर चेंज रातों रात एसपीसी का ऑब्जेक्ट. तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हमें क्या आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा? इसलिए हमने कहा है फिजिकली मीटिंग नहीं होगी, वोटिंग होगा तो होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज. सेकंड पॉइंट आप देखो, सेकंड पॉइंट थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं ये लैंग्वेज कहना क्या चाहती है. अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, पहला वाला था अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज, दूसरा है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स. बट ये जो आप आर्टिकल्स को चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो आप आर्टिकल्स में, आप या तो इंसर्ट कर रहे हो या तो रिमूव कर रहे हो. इंसर्ट करना मतलब ऐड, रिमूव करना मतलब डिलीट. क्या ऐड कर रहे हो या क्या डिलीट कर रहे हो, द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68. आपको पता है 268 किस बारे में बात कर रहा है? Everyone should know this, even BCom students. 268 defines a private company. और आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी अगर होती है तो उसमें LRP होता है. What is LRP? Limitation on the number of members up to 200. प्राइवेट कंपनी में 200 तक ही members हो सकते हैं. आर कहता है देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. और पी कहता है अ प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग टू द पब्लिक. ये है LRP. जिन्होंने प्री रिजल्ट बैच की थी, कितने बच्चों ने प्री रिजल्ट बैच की है आप सब लोगों में से? आप लोगों ने प्राइवेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखी थी, LRP देखा था उसमें? तो वो LRP क्या है, यही तो है. और जो कंपनी में LRP नहीं होता है वो कंपनी क्या होती है? अब आप क्या कर रहे हो, सुनो, जो लोगों ने प्री रिजल्ट का ये लेक्चर नहीं देखा है, जो फाउंडेशन से आए उनको ये बात पता होनी चाहिए बिकॉज दे आर थ्रू फाउंडेशन रूट. और जो लोग BCom करके आए उनको भी कम से कम 55% मिले हैं BCom में, मतलब इतना उनको भी पता होना चाहिए. फिर भी अगर आपको लगता है कि गजनी इफेक्ट है, नहीं याद है, मैं आज क्लास के बाद आपको एक लेक्चर की लिंक दूंगी जो मैंने इन लोगों को प्री रिजल्ट में पढ़ाया था, उतना फिर आपको एफर्ट लेना पड़ेगा. आप बोलोगे हम ये भी नहीं कर रहे, हमने BCom में भी ऑप्शन छोड़ दिया, फाउंडेशन में तो पता नहीं कैसे पास हो गए, और अब हमको ये घंटे भर का लेक्चर भी नहीं देखना है. तो घंटा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है? तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर इफ यू डू नॉट नो व्हाट अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इज. ओके, ये मजाक मजाक में कहा होगा बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट.
दीज आर सम फंडामेंटल थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ठीक है, तो इज्जत में सच में अगर आपने बीकॉम में नहीं किया है ना, नाउ यू कैन नॉट हैव दैट स्टूपिड लेम एक्सक्यूज व्हेन यू आर डूइंग सीए इंटरमीडिएट. दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स, वहां पे मेहनत नहीं की है, कभी ना कभी तो मेहनत करना पड़ेगा. एंड नाउ इट इज द डे. आप हर चीज को इतना लाइटली नहीं ले सकते हो. वहां पे ऑप्शन में छोड़ दिया होगा बेटा, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे आपका अटेम्प्ट ही ऑप्शन में चले जाएगा. इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 4 months, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. मैं आपको लेक्चर की लिंक दे दूंगी, आपको अगर इच्छा है तो आप देखना, अगर इच्छा नहीं है तो आईसीआई जरूर आपको थप्पड़ मारेगा, तब आपकी इच्छा हो जाएगी, तब देख लेना. ठीक है, तो प्यार से समझना है तो समझ लो, नहीं तो मार खा के समझ लेना, जैसे भी. तो यहां पे हुआ क्या है, देखो देखो, आप गहराई को ही नहीं समझ रहे. हम एलआरपी को ऐड कर रहे हैं या हम एलआरपी को रिमूव कर रहे हैं, आपको पता है इसका इफेक्ट क्या होगा? आप बताओ, मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, एसपीसी, मेरे आर्टिकल्स में क्या एलआरपी लिखा होगा? अगर मैं एलआरपी को निकाल दूंगी, आपको पता है क्या होगा? यस, माई कंपनी विल गेट कन्वर्टेड इन टू अ पब्लिक. या अगर रिलायंस है, रिलायंस के आर्टिकल्स में मैं एलआरपी ऐड कर दू, यहां पे लिखा है ना इंसर्ट एलआरपी, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस? दैट पब्लिक कंपनी विल गेट कन्वर्टेड इन टू अ. इन शॉर्ट, आप देखो लॉ मेकर सिंपल बात कहना चाहता है, बट ऐसे कहा है उसने, ऐसे कहना चाहता है, प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है या पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो आप वोटिंग लोगे बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. कहना इतना सिंपल है, बट बोला है ऐसा नहीं, बोला है वो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 का आप एलआरपी ऐड कर रहे हो या एलआरपी डिलीट कर रहे हो आर्टिकल्स में से, तो आपको पोस्टल बैलेट से वोटिंग लेना होगा. इवेंचुअली ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, लिख दो, आप लोग लिख दो, आपके चेहरों से मुझे डर लग रहा है. आप लिखो, दैट इज, नीचे है ना जगह, दैट इज इफ, मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप लिखो इफ यू वॉन्ट टू गेट योर प्राइवेट कंपनी, लिख लिया क्या? इफ यू वॉन्ट टू गेट योर प्राइवेट कंपनी, इफ यू वॉन्ट टू गेट योर प्राइवेट कंपनी, converted into a public company, converted into a public company or vice versa, हाँ, या तो फिर अगर vice versa नहीं समझता तो फिर आप पूरा लिखो, or you want to get your public company converted into a private company. पहला क्या लिखा है? Private to public. तो अब आपको लिखना पड़ेगा, if you want to get your पब्लिक कंपनी गेट कन्वर्टेड इन टू अ प्राइवेट कंपनी, यू नीड टू कैरी आउट द वोटिंग, यू नीड टू कैरी आउट द वोटिंग. सोमनाथ का कॉल आ रहा, चेक करना. यू नीड टू कैरी आउट द वोटिंग, उठा ले फोन, बात कर ले, बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. यू नीड टू कैरी आउट द वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. तो मेमोरेंडम को अल्टर करना, आर्टिकल्स को अल्टर करना. मेमोरेंडम को अल्टर कर रहे हो क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो, आर्टिकल्स को अल्टर कर रहे हो क्योंकि आपको एलआरपी ऐड करना है या एलआरपी डिलीट करना है. फिर देखो नेक्स्ट, आगे के पॉइंट्स क्या है. यू आर चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां से सारा काम एक्चुअली हैंडल किया जाता है उसी को आप शिफ्ट कर रहे हो, तब भी वोटिंग कैसे करेंगे? पोस्टल बैलेट. देन यू आर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनी वॉज रेस्ड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? आप आईपीओ या एफपीओ के लिए गए थे. व्हाट इज आईपीओ एफपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर. आपने इन दिनों में बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ देखा होगा. कौन से टाटा टेक, अच्छा ओला, टाटा टेक्नोलॉजीज और
नायका का कुछ टाइम पहले था, जोमैटो का आपने पढ़ा होगा, ये सारे आईपीओज आए हैं जब आप पब्लिक के पास आए, पब्लिक इशू आपने किया है, आपने पैसे रेस किया है कोई कारण के लिए। कुछ टाइम पहले सबवे का भी आईपीओ आया था, सबवे सैंडविचेस, सबवे सैंडविचेस, सबवे एग्जाम्पल पर बस, एग्जाम्पल, वैसे तो उन्होंने सारे फंड यूटिलाइज कर लिए, बट से फॉर एग्जाम्पल सबवे ने 500 करोड़ रेस किए और कहा 500 करोड़ हमको चाहिए बिकॉज वी वॉन्ट टू ओपन 500 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। बट उनके 500 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया ओपन हो गए इन 400 करोड़, क्या 100 करोड़ एक्स्ट्रा है? अब वो कहते इतनी मेहनत किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, इतना सब्सक्रिप्शन मिला, 500 करोड़ हाथ में आया, मतलब घर आए लक्ष्मी को कौन टाटा बाय बाय बोलेगा, 100 करोड़ वापस देने नहीं हमको। वो कहते ये जो 100 करोड़ है अनयूटिलाइज्ड फंड्स, व्हाट इज 100 करोड़, क्योंकि पैसे आए कितने हैं, यूटिलाइज कितने हुए, कितना बचा है, ये 100 करोड़ वो कह रहे हैं हम डालना चाहते, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़, ये 100 करोड़ हम डालना चाहते हैं इन रिसर्च ऑफ सम सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि यूजुअली अगर कोई सबवे की सैंडविच लेता है तो मेरिंडा कोक पेप्सी लेता है, तो हमको मेरिंडा कोक पेप्सी के वेंडर्स को पैसे देने में बहुत खर्चा जा रहा है, उतना अगर हम हमारा खुद का इन हाउस कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा, डायरेक्टली हम बनाएंगे और कस्टमर्स को सप्लाई करेंगे, बेस्ट हो जाएगा, तो हमको उसमें पैसा डालना है। वो क्या कर रहे हैं, जो पर्पस के लिए पैसा रेस किया था पब्लिक से, वो पैसा जो अनयूटिलाइज्ड है, जो क्या है, क्योंकि 500 ब्रांचेस 400 करोड़ में खत्म हो गए और पैसों की जरूरत ही नहीं है, ये पैसा कैसा है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर सम अदर पर्पस, फॉर सम नॉट फॉर ओपनिंग अ ब्रांच। तब भी आप क्या करोगे, वोटिंग कंडक्ट करोगे, बट वोटिंग कैसे कंडक्ट करोगे, बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। सुनो ना, मेरे को आपको एक डिस्क्लेमर देना है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये 10 बातें डिस्कस कर रहे हैं, आई डोंट नो आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा कह रही हूं, ये सब इंडिविजुअल सेक्शन है, जैसे कि ये सेक्शन आप करने वाले हो चैप्टर नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 13, फिर ये वाला भी जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, ये आप करने वाले हो चैप्टर नंबर 2 में, ये भी आप करोगे चैप्टर नंबर 2 में, ये भी आप करोगे चैप्टर नंबर 2 में, ये भी आप करोगे चैप्टर नंबर 2 में, मतलब इसके रिस्पेक्टिव सेक्शंस आपको सिलेबस में है। अब जब मैं सेक्शन 12, सेक्शन 13 इसके बाद पढ़ाना चालू करूंगी ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 2 ही पढ़ने वाले हैं, तब क्या होगा, जब मैं पढ़ाऊंगी अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, तब जब मैं पढ़ाऊंगी कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहती है, ये उसका प्रोसीजर है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, तो तब मैं कहूंगी ये एसआर कैसे पास होगा, फिर मैं कहूंगी बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। तो इंडिविजुअली ये सारे 10 पॉइंट्स आपके होने वाले हैं इन द कंप्लीट बैच, बट अब आप कहोगे क्या सारे 10 पॉइंट चैप्टर 2 में ही है, नहीं, अलग अलग चैप्टर्स में है। तो आने वाले जितने भी 3-3.5 महीने अपनी क्लासेस चलेगी, कभी कुछ चैप्टर में, कभी 10th चैप्टर में, तो कभी आपका चैप्टर 2 में, तो कभी आपका चैप्टर 3 में, अलग अलग जगह पे आपको ये सेक्शंस के रेफरेंसेस आते रहेंगे। बट मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें मैं हमेशा क्रॉस रेफरेंस देती हूँ, तो इनमें से कोई भी प्रोविजन अगर आया तो मैं तब वहां पर आपको लिखवा के दूंगी, यहां पे रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट, तब आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां पे तो अभी आधा अधूरा नॉलेज दे रही हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, बट मेरे को बोलना पड़ रहा है, समझ रहा, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर आप बोल ही नहीं सकती हूं। सारे सेक्शंस जब आप करोगे तब आप ये 1-1-10 को समझने की पोजिशन में रहोगे, बट क्योंकि अब हम वोटिंग कर रहे हैं 1-1-10 के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उसको अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर वोटिंग का एक तरीका ही छूट जाएगा। तो दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए अभी इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं, बट ये पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब रिस्पेक्टिव सेक्शन और प्रोविजन आप उन चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, बस मेरे साथ रहो, मेरा हाथ छोड़ो मत, मैं मंजिल तक पहुंचा दूंगी, आप डरो मत, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। अब जैसे ये शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये आपका सेक्शन नंबर 43 है, ये चैप्टर नंबर 4 है। अब मैं कैसे 2 को 4 को उसमें ही घुस जाओगी, तो ये तो रह ही जाएगा,
चैप्टर 2-4 ही चले जाएगा अपना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया। तो ये है देखो, इशूइंग शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, आपको पता है ये चीज, कंपनी अगर चाहे इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये अगर करना है, रेजोल्यूशन पास होगा, कैसे पास होगा, बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। शेयर्स के राइट्स या डिबेंचर्स के राइट्स को अगर आप वेरिएट करना चाहते हो, शेयर्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हुए डिविडेंड 10% है, बाद में अब आप डिविडेंड का रेट 8% करना चाहते हो, आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये अप्रूवल कैसे लोगे, बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। ये भी जो है बायबैक, सेक्शन नंबर 68 चैप्टर नंबर 4, कंपनी अपने खुद के शेयर्स बायबैक कर रही है, हाँ क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट बायबैक करते वक्त कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151 एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं, बट आप लिख दो इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। नेक्स्ट, सेल ऑफ होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी लिटरली अपना पूरा का पूरा धंधा ही बेच रही है, तो ऐसे समय पे क्या आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा? जैसे आपने इस कंपनी के बारे में सुना है आईटीसी, क्या करती है आईटीसी, सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ सिगरेट, मैंने तो आईटीसी के आटे के बारे में सुना है, बिस्किट्स के बारे में सुना है, सुट्टे के बारे में नहीं सुना है मैंने, ये आपको बड़ा पता है, बुक्स के बारे में आपने सुना है, और होटेल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, बुक्स, आटा, नूडल्स, ये सारी चीजें आईटीसी करती है। बट अगर आप आईटीसी की बैलेंस शीट देखोगे, इतनी सारी चीजें करके जो उसका रेवेन्यू है वो 10% है, और सुट्टे के धंधे से जो उसका रेवेन्यू है वो 90% है, एक ब्रांच से 90% रेवेन्यू है, और इतना ये चुट्टू 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 करके आपको मिल रहा है बस 10%। आप सोचो, आईटीसी कहते वक्त कह रही है हम इतने सारे ब्रांचेस में से एक ही ब्रांच बेच रहे हैं, अरे बट वो एक ब्रांच अगर 90% रेवेन्यू कंसिस्ट करती है, तो आप ही बताओ क्या यहां पे हम लोग बेच रहे हैं ऑलमोस्ट सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, यहां पे क्या आपको मेंबर का अप्रूवल लगेगा? अरे आईटीसी की जान है सुट्टा वाला बिजनेस, हाँ उसका मेजोरिटी रेवेन्यू उसी से आ रहा है, उसी से बाकी के धंधे वो चला रही, नहीं तो वो लॉस में होती, समझ रहे आप? उसी को अगर आप बेचने की बात कर रहे हो, क्या आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहे वोटिंग में? इसलिए यहाँ पे वोटिंग होता है बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आईटीसी का सेल हो रहा है, नहीं तो पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, तब भी आपको अप्रूवल लगेगा, बट फिर आप फिजिकल मीटिंग से भी कर सकते हो। एंड लास्ट इज गिविंग ऑफ लोन्स और एक्सटेंडिंग गारंटीज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप गारंटी दे रहे हो, लोन दे रहे हो, मतलब कंपनी को रिस्की बना रहे हो, क्योंकि पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा, शेयर होल्डर का, आपको उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा इतने बोल्ड स्टेप्स लेने के पहले। ये जो लास्ट के सिर्फ 3 पॉइंट्स है ना, ये आपका सीए फाइनल का करिकुलम है। सीए फाइनल मतलब वो सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल होती है, अभी तो ऐसे आपको लॉ का पेपर नहीं है, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स होती है। बाकी ए टू जी पॉइंट्स सब कुछ हमारा आने वाले 90 दिनों में होने वाला है, सो डोंट वरी। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ क्या, कंक्लूड करते, क्योंकि ज्यादा कुछ इस सेक्शन में है नहीं, सिर्फ एक चीज है जहां पे स्टार्टिंग में पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगी, तब आपको समझेगा क्या मोए मोए हो गया है। सुनो ना, ये 10 चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है,
किस चीज के लिए नोटिफाई किए कि ये जो वोटिंग होगा होगा तो कैसे होगा, ओनली बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. ये शाल है या मे है? शाल है, शाल. और उसके अलावा लॉ मेकर कहता है अड्डा के अलावा अगर आपको कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है जिसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है, आप अगर चाहो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल ले सकते हो. अब अगर आप देखोगे पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन, पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन कहती है पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड. मतलब यहां पे वो खुद कह रहा है आप अगर चाहो तो चिट्ठी भेजो, और अगर आपको चिट्ठी नहीं भेजनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू भी वोट कास्ट करवा सकते हो. तो बदलते वक्त के साथ कानून ने अपने को बदला है. आज के जमाने में कौन लेटर बॉक्स चेक करता है? पहले हम व्हाट्सएप और ईमेल चेक करते हैं. दादाजी भले ही सुबह उठ के पहले लेटर बॉक्स चेक करते होंगे, बट आप और हम तो सबसे पहले उठने के बाद मोबाइल फोन चेक करते हैं. हाँ, इट इज अ फैक्ट. इसमें ऐसे देखो मत, नहीं नहीं मैम हम तो ऐसे बच्चे नहीं हैं, सब लोग यही करते हैं. तब ऐसे केस में अगर जमाना ही बदल रहा है, क्या कानून को भी बदलते जमाने के साथ बदलना पड़ेगा? तो भले ही नाम में पोस्टल बैलेट लिखा होगा, आजकल के जमाने में कोई पोस्ट नहीं देता है, सब लोग क्या करते हैं ई वोटिंग से ही इन लोगों का वोट ले लेते. इवेंचुअली कानून क्यों बनाया गया था, ये पोस्टल बैलेट का सेक्शन क्यों आया होगा आपने ये, नहीं नहीं इजी की बात ही नहीं है. आपने ये 10 बातें अभी देखी है, व्हाट डू यू थिंक ये 10 ट्रांजैक्शन जो कंपनी के साथ हो रहे हैं, इज इट एक्चुअली चेंजिंग द स्ट्रक्चर और द पर्पस ऑफ द कंपनी इटसेल्फ? आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, आप प्राइवेट टू पब्लिक चेंज कर रहे हो, आप शेयर होल्डर के राइट चेंज कर रहे हो, आप सब्सटेंशियली होल ऑफ द यूनिट ऑफ द कंपनी को सेल कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट काम चालू है यहां पे. और ऐसे काम में आप ही बताओ, अगर आप लॉ मेकर होते क्या आप भी चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में इन्वॉल्व रहे? यू नी टाइम. अगर मेरी कंपनी क्लासेस बंद करके शराब का धंधा खोल रही है, आप नहीं चाहोगे? आप मेंबर हो, आपका पैसा एसपीसी में है. हम लोग जो धंधा कर रहे हैं हमारे पैसों से नहीं कर रहे हैं, आपके पैसों से कर रहे हैं. आप मेंबर हो ना? आज अंबानी जी जो धंधा चला रहे हैं इसीलिए चला रहे क्योंकि हमने पैसा डाला है. हम जैसे ऐसे लाखों लोग हैं. समझ रहे हो आप बात को कि नहीं समझ रहे हो? वैसे ही आपने एसपीसी में पैसा डाला है, किसी ने लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने करोड़, किसी ने 10 करोड़. और आपके दिए गए पैसों से मैं आज अगर ये क्लासेस चला रही हूं और मैं आपको बोल रही हूं क्लासेस बंद शराब का धंधा चालू, आपको नहीं लगता कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पूछूं? क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, पैसा आपका है. और अगर मैं बोलूँगी फिजिकली मीटिंग कंडक्ट करने आओ, कुछ ही लोग आ पाएंगे, ज्यादा तो लोग नहीं आएंगे. तो ये तो हमारे लिए मजे की बात हो जाएगी. नहीं आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना. सो दैट इज वाई टू स्टॉप दिस एंड टू एनकरेज मेंबर्स टू वोट वी सेड पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट इज अ लॉन्ग बैक डेटेड कॉन्सेप्ट, 1956 एक्ट से चलता आ रहा है, बट 2013 में अब हमने कह दिया पोस्टल बैलेट और ई वोट. तो ई वोट भी कर लो. ई वोट भी तो आपको घर बैठे बैठे योर स्पेस योर टाइम योर कन्वीनियंस. क्या आपको ई वोट देते आएगा? अगर फिजिकली आप जा भी नहीं रहे हो, यहाँ पे तो फिजिकल मीटिंग खैर होती ही नहीं, बट यहाँ पे अभी चिट्ठी पे टिक्का टिक्का करके लॉल डिब्बे में ना डालते हुए हम हमारा पोर्टल पे क्लिक करेंगे, लॉग इन करेंगे और फेवर या अगेंस्ट वोट करेंगे और सबमिट कर देंगे. थिंग्स आर मोर इजी फॉर अस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. इसलिए हमने कह दिया पोस्टल बैलेट. नाम भले ही लिखा होगा पोस्टल, बट इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. बट याद इतना रखना, इसमें अगर आप चाहते हो आप लिख सकते हो यहां पे रेड पेन से, देयर इज नो फिजिकल मीटिंग. यहां पे आप या तो घर पे चिट्ठी दोगे या तो आप
पोर्टल की लिंक दोगे, फिजिकल मीटिंग यहां पर नहीं हो रही। अरे हो कि नहीं? और ये सारे 10 पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे, मुझ पे भरोसा है ना। आज नहीं हो गए ये मैं बोलती हूँ आपको, आज नहीं हो गए, बट यस जैसे जैसे मेजोरिटी इसके पॉइंट्स ना चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 के ही है। ये 3 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे ना, ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी सिर्फ क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि पोस्टल बैलेट में आपको चिट्ठी मिलेगी, आपको हाँ या ना 30 दिनों के अंदर कंपनी के पास वापस पहुंचा देना है, क्योंकि 30 दिनों के बाद चिट्ठी आएगी तो आपका वोट इनवैलिड वोट होगा। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा, स्क्रूटनाइजर वोट्स को अनब्लॉक करेगा और फिर देखेगा कि कितने फेवर में और कितने अगेंस्ट, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास। एज सिंपल एज दैट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली 10 चीजों के लिए कहा है आपको वोटिंग कैसे कंडक्ट करना है बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। ये 10 बातें, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना, प्राइवेट टू पब्लिक चेंज करना, शेयर्स का बायबैक करना, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग, शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरिएट करना, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना, ये सारी 10 बातें कंपल्सरी वोटिंग कैसे होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। और वाई आपको समझा, वाई बिकॉज वी वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। और अगर आपको ट्रेडिशनल चिट्ठी नहीं देने, क्योंकि चिट्ठी देने में पैसा जाता है, प्रीपेड एनवलोप दे रहे हो आप, पहले एक तो आपके घर तक पहुंचाने के लिए मेरे को स्टैंप लगता है, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा यार, आप लोगों ने ऐसे वो छोटे छोटे रेड स्टैम्प्स आते हैं पोस्ट, कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है क्या? उसके पैसे लगते हैं वो स्टैम्प खरीदने के, और प्रीपेड है मतलब वो बंदा वापस से फ्री ऑफ कॉस्ट टिक टिक करके रिप्लाई कर सकता है, मतलब आपको 2 टाइम का पैसा लग रहा है, जाने का भी और आने का भी, पैसा जाता है, एफर्ट्स भी जाता है, समय भी जाता है। तो इसलिए यूजुअली आज के ज़माने में तो वी कैरी आउट पोस्टल बैलेट के रेजोल्यूशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपको सिर्फ वो पोर्टल क्रिएट करना पड़ता है, बाकी तो आप ईमेल करोगे, तो ईमेल में तो पैसा नहीं जा रहा है, समय भी नहीं जा रहा, क्योंकि एक क्लिक पे सबको चले जा रहा है ईमेल हमारा, समझ रहे आप? पर इसीलिए फॉर कन्वीनियंस पर्पस बीइंग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली वी अडॉप्टेड द लॉ इन अ सिमिलर मैनर सो दैट थिंग्स बिकम मोर इजियर। भले ही ई मीन्स यूज किया है, उसको फिर भी हम क्या कहेंगे? पोस्टल बैलेट। देर इज नो फिजिकल मीटिंग हियर। ठीक है, आई बात समझ में? बट फिर भी हर साल कंपनी की एजीएम तो होगी ही, और एजीएम तो फिजिकली ही होगी जिसमें अड्डा डिस्कस किया जाएगा, वो पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता। ओके, पक्का? 100%? वेरी गुड। ठीक है, अब हम एक सेक्शन करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक सेक्शन जो है ना वो रिलेटेड है टू वोटिंग ओनली, बस इस सेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही सेक्शन था जिसमें बहुत सारी बातें थी ये पोस्टल बैलेट की। इसका फोटो ले लो ना प्लीज़, 110 का। हाँ, आपको होमवर्क की तरह लिखना है, यही 10 बातें जो मैंने पढ़ाई है, देख लो, फोटो ले लो ना, खींच इसकी फोटो। Come on guys, चेक, डिड यू ऑल क्लिक द फोटो? सिर्फ इतना सा मुझे करना है, उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये देखो ना, ये वाला सेक्शन नंबर 106, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन बेटा।
फोटो ले लिया ना, फोन रख दो अंदर, बाद में मैसेज करना घर वालों को, घर वाली को। आज बोल देना क्लास लेट चालू है, क्लास लेट खत्म होएगा, ठीक है? कौन है मुझे क्या पता कौन है, इतने ज्यादा पर्सनल भी मत हो बेटा, आ जाओ। यस, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, हमने इतना समझ लिया है। वोटिंग चार तरीके से हो सकता है, बताओ कौन से चार तरीके? शो ऑफ हैंड्स, ई वोट, पोल एंड पोस्टल बैलेट। बट क्या कभी कोई मेंबर को वोट करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। मैंने हल्की सी झलक एक पॉइंट की आपको दी थी, कॉल्स इन एरियाज। अब हम ये सेक्शन एक्चुअली आज करेंगे। बट नाउ अ मेंबर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन टू ग्राउंड्स, दैट्स इट, ओनली ऑन टू ग्राउंड्स। दो ही ग्राउंड्स पे जिसपे मेंबर को वोट करने के लिए किया जा सकता है रिस्ट्रिक्ट, और कौन से ये दो ग्राउंड्स है? कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट। पहला है व्हेनेवर द मेंबर हैज कॉल्स इन एरियर्स। आपको एरियर्स मतलब समझता है? आउटस्टैंडिंग। कंपनी ने इन शेयर्स पे कॉल किया है बट मेंबर ने पैसा नहीं दिया, मतलब जब डिविडेंड आ रहा आप ले रहे, जब राइट के शेयर्स आ रहे आप सब्सक्राइब कर रहे, बोनस शेयर्स मिल रहा है आप ले रहे, और जब आपको पैसा बुलाया जा रहा है आप पैसा नहीं दे रहे, मतलब जब मजे ले रहे, जिम्मेदारी जब आ जा रही तो पीछे हट जा रहे, क्या हम आपको मजे लेने देंगे? नहीं, तब हम कहेंगे वेट, यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट। सबसे पहला पॉइंट कहता है व्हेनेवर देयर आर कॉल्स इन एरियर्स अ मेंबर विल नॉट बी अलाउड टू वोट, मतलब उसको रोका जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा वोटिंग करने से। और दूसरा पॉइंट कहता है व्हेनेवर द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड लीन। लीन आप लोगों को पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी जनरल टर्म। आपने क्या लीन के बारे में अनपेड सेलर में कुछ समझा है? आप लोग तो न्यू कोर्स के बच्चे, आप लोगों ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लीन पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा? बेलमेन में, जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? लीन में क्या होता है? लीन में, लीन में आप गुड्स के फिजिकल पोजीशन को रिटेन करते हो, कहते हो जब तक मेरे ये ड्यूज आप नहीं देते तब तक हम भी आपको आपके ये गुड्स नहीं देंगे। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम लोग कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, सेलर और बायर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे। यहां पे कंपनी ने आपके शेयर्स पे लीन एक्सरसाइज किया है, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके साइड से कुछ पेमेंट पेंडिंग है तो कंपनी कह रही है जब तक आप पेमेंट पूरा नहीं दोगे हमें, हम भी आपको आपके शेयर्स नहीं देंगे। तो अब अगर कंपनी ने लीन एक्सरसाइज किया है तो ऐसे केस में यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। यही दो ग्राउंड्स है, दैट्स इट, जिनके ऊपर कंपनी आपको रोक सकती है वोटिंग करने से। कौन से दो ग्राउंड्स है बताओ? कॉल्स इन एरियर्स एंड द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड, ये दो ग्राउंड्स। बट ये दो ग्राउंड्स आर्टिकल्स में लिखे होना जरूरी है। अगर आर्टिकल्स साइलेंट है तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मतलब आपको वोट करने के लिए अलाव करना पड़ेगा। अगर आपको किसी मेंबर को रोकना है ना वोट करने से, क्या ये दोनों ग्राउंड्स आर्टिकल्स में लिखे होने चाहिए? और सिर्फ ये दो ग्राउंड्स पे रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी तीसरा कारण है, कोई भी तीसरा कारण, तो आप मेंबर को वोट करने से रोक नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी शेयर्स खरीदे, चेयरमैन ये नहीं बोल सकता तूने शेयर्स अभी खरीदे हम तेको वोट करना अलाउ नहीं करेंगे। अगर तू एक साल तक शेयर्स रखेगी तो हम तेको अगली एजीएम में वोट करने के लिए अलाउ करेंगे। चेयरमैन का जो स्टैंड है सही है गलत है? आई विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वोटिंग ओनली इफ मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, कॉल्स इन एरियर्स है, या तो कंपनी ने मेरे शेयर्स पे लीन एक्सरसाइज किया है। उसके अलावा कोई भी तीसरे ग्राउंड पे आई कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम वोटिंग। इन शॉर्ट आई विल बी अलाउड टू वोट, आई विल बी अलाउड टू वोट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी द टू ग्राउंड्स ऑन विच अ मेंबर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वोटिंग, कॉल्स इन एरियर्स एंड। बट ये दोनों भी पॉइंट्स के आर्टिकल्स में लिखे होना जरूरी है।
ये लिख लेते हो आप लोग? आप लोग अभी क्या करोगे? बट आपने कितना कुछ लिखा है आपकी बुक्स में? ई वोटिंग लिखा है आपने, शो ऑफ हैंड्स और पोल लिखा है, पोस्टल बैलेट के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, और ऐसा आप कर पाओगे वोटिंग के सारे चार के वहां पे ऐसा एरो किया है, और फिर मैंने लिखा है 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। क्या हुआ? डन। ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग किड्स, आई थिंक यूट्यूब पे वीडियोस कल तक ही हो गए क्या? कब तक हो गए पूछ के बताओ, कल या परसों तक ही हो गए। आई होप यू ऑल हैव गॉट योर आईडी एंड पासवर्ड, बिकॉज वी विल बी शिफ्टिंग टू द एप्लीकेशन सून। आई थिंक फ्रॉम टुमारो ओनली कुछ बच्चे जिनको आईडी पासवर्ड मिल गया है कैन स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स ऑन द एप्लीकेशन, और फिर परसों टोटली शिफ्ट कर लेंगे। कल दोनों जगह लेक्चर होगा, परसों के दिन आई थिंक सिर्फ एप्लीकेशन पे होगा। आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? अ मेंबर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वोटिंग ओनली ऑन टू ग्राउंड्स। एक है कॉल्स इन एरियर्स और दूसरा है कंपनी हैज एक्सरसाइज लीन, बट दीज रिस्ट्रिक्शंस शैल बी कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अगर आर्टिकल्स में नहीं है क्या आप किसी को रोक पाओगे? तब आप किसी को रोक नहीं पाओगे। सबका हो गया लिख के? और 110 का क्या फोटो ले लिया है आप लोगों ने? 110 किसके बारे में है? पोस्टल बैलेट। इसी से रिलेटेड सेक्शन 106 टेक्स्ट बुक में क्या पेज पे होगा? 29। हेमन, एप्लीकेशन पे कब शिफ्ट हो रहे हम लोग? ठीक है, आज 6th लेक्चर है ना, तो कल एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे चलेगा। अच्छा ठीक, सो मंडे से द लेक्चर्स विल बी फुल्ली ऑन द एप्लीकेशन। कल और परसों दोनों जगह पे प्ले होगा, एप्लीकेशन एज वेल एज यूट्यूब। 29 पेज नंबर पे आओ ना, देखो ना ये सेक्शन क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। कम ऑन गाइस, नो मेंबर शैल एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट। सुनना हेमंत, सर का कॉल आ रहा है, एक बार चेक करना। नो मेंबर शैल एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन हिज नेम ऑन विच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम हिम ऑन कॉल्स
मतलब इन शॉर्ट कंपनी ने कॉल किया है बट ये बंदे ने पैसे नहीं दिया है, क्या इसी को हम कहेंगे एज कॉल्स इन एरियर्स? अरे बोलो। और इन रिगार्ड टू विच द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड अ राइट ऑफ लीन। यहां पे क्लियरली लिखा है 106 में कंपनी शाल नॉट प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट ऑन एनी अदर ग्राउंड एक्सेप्ट द ग्राउंड्स मेंशन्ड एज अबव। और ऊपर अगर आप देखोगे सेक्शन की शुरुआत देखो, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मे प्रोवाइड दैट, मतलब क्या आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है? आर्टिकल्स में अगर नहीं लिखा है तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दो ग्राउंड वापस से बताओ कौन से ग्राउंड है। एंड कंपनी हैज एक्सरसाइज, क्या ये दोनों ग्राउंड आर्टिकल में लिखा होना जरूरी है? और इसके अलावा आप कोई भी तीसरे ग्राउंड पे मेंबर को वोट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यस नो गाइस? ये इलस्ट्रेशन 8 भी वही है, जॉइंट होल्डर्स है ये मिस्टर एंड मिसेज, मतलब हस्बैंड वाइफ है, 500 शेयर्स है जॉइंट नाम में, मिस्टर हां बोल रहे हैं, मिसेज ना बोल रही है, आप बताओ वोट कैसे कंडक्ट किया जाएगा? जो बीवी कहती वो, तो फिर इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, जिसका नाम पहले अपियर करता है उसी का क्या वोट वैलिड माना जाएगा। चलो 2 मिनट में क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो एक गाना सुनते हैं, सलमान खान का है ना वो गाना, सुनो गौर से दुनिया वालों, सलमान खान का है ना, किसका है वो गाना, शाहरुख खान का है क्या? आई एम सो सॉरी, आई एम सो बैड एट दैट। सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी, नहीं सुना ये गाना आपने? सुना है ना? जिन्होंने नहीं सुना हम सुनाएंगे आपको। आपने सुना है बेटा इंडियन सॉन्ग? क्वेश्चन 23 को कोई पढ़ेगा? एक माइक देना ना इसको प्लीज। गर्ल्स व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ऑल, व्हाई आर यू ऑल नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन? इस बच्चे को दे दो, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको जवाब भी देना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना नहीं। हाँ चलो देख लेंगे। मिस्टर पिंक हेल्ड 100 पार्टी। नाम भी देखो क्या दिया, मिस्टर पिंक। इंस्टीट्यूट कैसे इमोशंस में खेल रहा है, और कोई नाम नहीं ले सकता, मिस्टर पिंक। हाँ ठीक है, हेल्ड 100। हाँ हाँ, हेल्ड 100 पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफ रेड लिमिटेड, द कंपनी आस्क्ड टू पे द फाइनल कॉल मनी ऑन द शेयर्स, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ही वाज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल मनी टू द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, द चेयरमैन डिसअलाउड हिम to cast his vote on the ground that the articles do not permit a shareholder to vote if he has not paid the calls on the shares held by him. Mr. Pink contested the decision of the chairman referring to the provisions of Companies Act 2013. Decide whether the contention of Mr. Pink is valid. आपको समझा हुआ क्या है? कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपने पढ़ लिया। मिस्टर पिंक के कॉल्स इन एरियर्स है क्योंकि कंपनी ने शेयर्स पे कॉल किया है फाइनल कॉल, बट ये बंदा इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द कॉल अमाउंट और इसलिए चेयरमैन ने उसको डिसअलाउ किया, कहा आर्टिकल्स बोल रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स है तो आप वोट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम मेंबर है हम वोट करेंगे,
तुम गलत बोल रहे हो, कौन सही है, चेयरमैन या पिंक? क्यों चेयरमैन? क्योंकि आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्शन देती है एंड दस ही विल नॉट बी अलाउड टू वोट. पिंक का कंटेंशन गलत है. पिंक का कंटेंशन ही विल नॉट बी अलाउड टू वोट. तो अभी आपने ये सेक्शन को पढ़ा है ना, वहीं पे तुरंत लिख दो 106 के उधर. क्या लिखोगे? क्वेश्चन 23. क्या हुआ फोन? क्वेश्चन 23 आरटीपी 19. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड कर रहा है, जवाब दे रहा है? आई वॉन्ट समबडी फ्रॉम द गर्ल्स. यहां पे पास करो. इधर 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 बेटा, फर्स्ट बेंच पे. छोटा सा क्वेश्चन है, कल के टॉपिक से रिलेटेड है. पढ़ो बेटा. क्वेश्चन 11 आपको नहीं दिख रहा है, ये पढ़ेगी मैडम तब आपको सुनाई देगा. हाँ पढ़ो. If a member of a listed थोड़ा सा पास मिलो ना माइक. If a member of a listed company who has casted his vote through electronic voting can attend general meeting of a company and change his vote subsequently and can he appoint a proxy? दो तीन बातें हैं. पहली बात तो ये बंदे ने अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक मीन से कास्ट किया है. पहला क्वेश्चन, क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकता है? Yes. Yes. Next question. क्या वो अपना वोट चेंज कर सकता है? नहीं. और ये है एक्चुअली, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, क्या ये बंदा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? देखो आप लॉजिक समझो, हाँ या ना बाद में बोलो. आप प्रॉक्सी क्यों अपॉइंट कर रहे हो? वोट करने के लिए. इवेंचुअली क्या प्रॉक्सी बोल सकता है? नहीं. लिख सकता है? नहीं. चेयरमैन बन सकता है? नहीं. शो ऑफ हैंड से वोट कर सकता है? से वोट कर सकता है. तो वो काम तो आपने कर ही लिया है. यू हैव ऑलरेडी कास्टेड योर वोट. इफ यू हैव कास्टेड योर वोट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट परमिटेड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. यू आर, एक काम करो, आपके नोटबुक में लिख लो, वो समरी कंप्लीट कर लो, ई वोटिंग के उधर जाओ. नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है. मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हूं और पर्टिकुलर हूं. ऐसे ही अपने रैंकर्स नहीं आते, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं. जगह अभी बना दो, नहीं तो चिट्ठी पे लिखो, नहीं तो ऊपर नीचे एस्ट्रिक मार्क करके लिखोगे, बट लिखोगे. आप सोचो, मुझे बताओ, आप सोच के, आप लोगों का अटेम्प्ट कब है? नहीं. आप से फॉर एग्जांपल जनवरी में आपकी ग्रुप टू की क्लासेस खत्म हुई, आप फेब में बुक उठा रहे हो, आपको नहीं लगता है एक पेज पे अगर आपको पूरा 108 सेक्शन मिल रहा है जहां पे मैंने जॉइंट वोटर्स का भी लिख दिया है, ये इसका भी लिख दिया है, प्रॉक्सी अपॉइंट होता है या नहीं, बाकी ई वोटिंग की फैसिलिटीज दी है, क्या मैं आपका काम आसान कर रही हूं? तब आप सोचो, आप लिटरली सब कुछ भूल चुके होगे जो हमने अब किया है. अब जब आपको पूरी समरी एक पेज पे मिल रही है तो आपको दिक्कत क्या है लिखने में? पिच पिच क्यों कर रहे हो? दिस इज योर इन्वेस्टमेंट. I already told you on day one, आपके स्टेशनरी हम इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि ये आपकी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है. This book is going to be your attempt. It is going to cost your attempt. जिसने शिद्दत से सारी बातें लिखी है जो मैं क्लास में करा रही हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको एमसीक्यू की तरह भी पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं कवर करवा रही हूं. और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? डोंट डू पिच पिच. क्लास में हो रहा है अच्छी बात है, हम लोगों को एज स्टूडेंट्स ये सब खुद घर पे करना पड़ता था, हम करवा के दे रहे हैं. तो आप मत करो ऐसा, प्लीज सपोर्ट मी, आई नो वॉट आई एम डूइंग, जस्ट फॉलो मी. आई एम 100% श्योर यू विल गेट एन एग्जेम्पशन. क्या लिख रहे हो आप? इफ अ मेंबर हैज कास्टेड हिज इलेक्ट्रॉनिक वोट, इफ अ मेंबर, ई वोटिंग के वहां पे लिख रहे हो 108 के उधर आपकी समरी में, इधर भी है ना जगह, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इफ अ मेंबर हैज कास्टेड, क्या लिखा है मैंने, हिज वोट
हिज इलेक्ट्रॉनिक वोट. ठीक है, ही कास्टेड मतलब उसने वोट किया है. इफ अ मेंबर हैज कास्टेड हिज इलेक्ट्रॉनिक वोट ही विल नॉट बी परमिटेड. ही विल, ठंडी हो गई यार क्लासरूम पूरी, फैन बंद कर देना सारे. तुमको ठंड नहीं लगती है? गर्मी हो रही है. ठीक है, फिर एक काम कर, इसका स्पीड कम कर दे, अट टेम्परेचर बढ़ा दे इस एसी का जो मेरे सिर के ऊपर है. क्या लिखा आपने? ही विल नॉट बी परमिटेड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. चलो ये क्वेश्चन पढ़ के कौन जवाब देगा? वही बच्चे. बैक बेंचर्स, आई वॉन्ट समबडी फ्रॉम यू ऑल टू रीड. कम ऑन गाइस, बैक बेंचर्स में से मेरे को कोई चाहिए. अच्छा ठीक है, जवाब तो दो बैक बेंचर्स में से कोई, मैं पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन. एक्स मेंबर ऑफ LKM लिमिटेड इज होल्डिंग 250 शेयर्स which are partly paid up. The company held its general meeting where voting right was denied to X, claiming he has not paid the calls on the shares held by him. इसको वोटिंग करना अलाव नहीं किया है क्योंकि उसने शेयर्स पे कॉल अमाउंट पे नहीं किया है. डिनाई करना मतलब मना करना. Examine the validity of the company's denial to X with reference of the provisions of the Companies Act. Assuming, oh, कहानी में twist, the articles of the company do not restrict the voting right of such members. This is similar to question 23, but yet very different. Same होके भी same नहीं है. I want somebody from the backbenchers यार. आप लोगों ने भी fees दी है. उस लड़की को देना पीछे, उधर. लास्ट या सेकेंड लास्ट बेंच. क्या हुआ? कल से मैं फेरो रोशर लाओगे क्लास में. फेरो रोशर पता है आपको? वो डब्बा ही लेके आ जाती हूँ मैं और इधर रखती हूँ. उस लालच में तो भी जवाब दोगे आप लोग. जब तक आप लोगों को कुछ मोटिवेशन नहीं मिला ना तब तक हाँ ठीक है आंसर देके भी क्या ही होने वाला है. वैसा एटीट्यूड है आप लोगों का. बोलो. According to section 106 क्या बात है? हाँ. of the Companies Act, हाँ. a company can only restrict the members from casting the vote if it is mentioned in the articles of association. It can restrict the members on the basis of two grounds. First one, if the member has the calls in arrears. Okay. If the members has not paid on the Right. Calls in arrears is not paid on the calls that were made by the company. Company. And if the company has exercised the lien. Very good. In the above example, LKM Limited has not restricted the members from casting the vote in the articles of association. That's why, therefore, LKM Limited cannot restrict X from casting the vote. क्या बात है यार, एक बार जोरदार ताली है लड़की के लिए. क्या जवाब दिया बेटा आपने, रियली इम्प्रेस. जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज, जिस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो, जो कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया बेटा, एक नंबर, बहुत आगे जाओगे बेटा. सो प्राउड ऑफ यू. क्या नाम है बेटा आपका? हाँ या धृता ना, कृता, ग्रीता जी, ग्रीता. ओके, क्या बात है, अनोखे नाम है इस क्लास में सारे बच्चों के. क्या नाम है बेटा, इस मतलब क्या है इस नाम का? सॉरी नहीं समझ रहा मुझे. मैम घी, 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 घी मतलब वो अनक्लैरिफाइड बटर. अच्छा घी, ओके ओके ओके, गॉट इट. घी, घी, देसी घी वाला घी. अच्छा, आई थॉट इट्स अ ब्रिटिश नेम. सच में मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, इंडियन नाम है ग्रीता, संस्कृत नेम. ओके नाइस.
हाँ ये क्वेश्चन का क्रॉस रेफरेंस ही नहीं दिया आप लोगों ने, मैंने तो बोला ही नहीं आप लोगों को देने के लिए। सेक्शन नंबर 106 के उधर, उसके पहले वाला भी सेक्शन, मैं तो बोलना ही भूल गई। तीन क्वेश्चंस आ गए ना, 106 के दो है, बट डिस्कस तो हमने तीन किए ना क्लास में, एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाला किया ना हमने 108। वाला कौन सा सेक्शन क्वेश्चन था? मैंने तीन क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, मेरे को इतना पता है। ये क्वेश्चन 5 है जो आप 106 के उधर लिखोगे। एक क्वेश्चन नंबर 23 था जो 106 के ऊपर था, और एक मैंने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया मेरे को नहीं पता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का कौन सा क्वेश्चन था जो इसने रीड किया था, इस गुड़िया ने? 11। देखो बराबर बोला मैंने, 11th नंबर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 108। 108 के उधर लिखो, इसको क्या हो गया? अरे ये वाला डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन नंबर 11 मई 19, ये कहां पे लिखोगे आप? 108 के बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हो गया आपके, तीन हुए कल, दो हुआ था, और आज आप लोगों का एक हुआ है ना? ठीक है, अभी नया कुछ नहीं करेंगे, बस 5 मिनट में जो कुछ भी हुआ है फटाफट सेक्शन नंबर के साथ रिवाइज करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी। कल हम लोग मिनट्स और उसका इंस्पेक्शन करेंगे। पूजा मैम का 11 बजे तक क्लास शुरू होगा, सो डोंट वरी, मुझे ये करवाना है रिवाइज। इसको रोटेट कैसे करते हैं आप लोगों ने कहा? हो गया। टेल मी सेक्शन नंबर 101 किस बारे में बात कर रहा है? नोटिस ऑफ मीटिंग। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 103 104 105 उसके साथ साथ अभी हमारा हुआ है 106 विच इज रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग। 107 108 109 110 चारों भी वोटिंग के तरीकों के बारे में बात कर रहा है। उसमें से आपको एक सेक्शन नंबर तो पक्का याद रहना चाहिए, 108 विच इज रिलेटिंग टू ई वोटिंग। सबसे पहले कोई भी वोटिंग जो होता है इट इज बाय शो ऑफ हैंड्स। इसे सेक्शन नंबर में से भी चारों में से सबसे पहला वाला जो सेक्शन नंबर है 107 दैट इज रिलेटिंग टू वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। पहले शो ऑफ हैंड्स है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है 108, उसके बाद पोल है, और लास्टली है पोस्टल बैलेट। ऐसे करके 5 सेक्शंस है जो वोटिंग से रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्शन, शो ऑफ हैंड्स, ई वोटिंग, पोल और पोस्टल बैलेट। 106, 107, 108, 109, 110। वापस से 108 किस बारे में? 110, 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, राइट, 107 और 109। वापस से 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, 107, 108, 109, 110, फिर हमारा 112 और 113 भी हो चुका है। 112 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ और स्टेट गवर्नमेंट, और 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्प। 114 क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। और 116 कौन सा है?
रेजोल्यूशन पास्ड एट द अर्जेंट मीट, जो दिन पे रेजोल्यूशन पास हुआ है वही दिन क्या माना जाएगा एज द एक्चुअल डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। हम लोग कोई भी बैक डेटेड एंट्रीज नहीं करेंगे, जो दिन एक्चुअली पास हुआ है वही दिन पे माना जाएगा हमारा रेजोल्यूशन एक्चुअली पास हुआ है। अब हम ऑड इवन और आगे पीछे एक बार रिवाइज करेंगे, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। इस स्क्रीन को मैं हटाती हूं, और ये आ सकती है स्क्रीन, हाँ आ गई। ऑड इवन एक बार देखते चलो, या पीछे से आगे आओगे क्या करोगे पहले, ऑड इवन या आगे से पीछे, पीछे से आगे क्या करना है? आगे से पीछे तो आ जाएगा सबको, ऑड इवन। चलो 101 क्या है बताओ, एक मिनट रुको मैं सिर्फ लिख लेती हूँ। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, एक मिनट 12 को ऐसे इवन नंबर वाले पे लिखते हो ना, 112, 113, एक मिनट 114 और 116, इतना हुआ है। पहले हम लोग ऑड नंबर देख रहे हैं, तो बताओ 101 किस बारे में बात कर रहा है? नोटिस ऑफ मीटिंग। 103 किस बारे में बात कर रहा है? 105 किस बारे में बात कर रहा है? 107 बताओ, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। 109 वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोल। 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ये सारे ऑड नंबर्स है। इवन नंबर 102 किस बारे में बात कर रहा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 104 चेयरमैन। 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। 108 ई वोटिंग। 110 पोस्टल बैलेट। 112 ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। 116 रेजोल्यूशन पास्ड एट द अर्जेंट मीटिंग। हाँ या ना? रैंडमली पूछो क्या अभी आपको? जवाब दे पाओगे? एक बार सिर्फ पीछे से आगे जाके देखते हैं लास्ट, फिर रैंडमली पूछते हैं। 116 किस बारे में बात कर रहा है? रेजोल्यूशन पास्ड एट एन अर्जेंट मीटिंग। 114 रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। 112 110 आज ही किया है पोस्टल बैलेट, जो आपको होमवर्क की तरह लिखना है वो है सेक्शन नंबर 110। 109 108 सबसे इंपॉर्टेंट ई वोटिंग। 107 106 105 104 103 102 एंड 101। आप देखो जब इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा तो ऐसे लाइन से तो नहीं पूछेगा डायरेक्टली। सपोज अब आपको मेरे को डायरेक्टली सेक्शन नंबर बताना है, इंस्टीट्यूट ने कुछ सवाल बनाया है और ये जो सवाल इंस्टीट्यूट ने बनाया है वो कोरम से रिलेटेड बनाया है। अब सेक्शन नंबर क्या? सेक्शन नंबर 103। इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाया है और वो बनाया है प्रॉक्सी के ऊपर, बताओ। इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाया है ORSR के ऊपर। इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाया है ई वोटिंग के ऊपर। इंस्टीट्यूट जो है वो कह रहा है रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होना है, तो फिर सेक्शन नंबर क्या होगा? एक सौ कुछ क्वेश्चन है नोटिस के बारे में, 21 क्लियर डेज एंड वगैरह वगैरह, तो सेक्शन नंबर क्या होगा? 101 दैट इज 101। इंस्टीट्यूट जो है वो बोल रहा है कि हमने मेंबर को वोट करने से रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो किस बारे में होगा? 106। हाँ या ना? पक्का जवाब देने आ रहा है? Yes. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, आर दे काउंटेड फॉर कोरम पर्पस? कैन दे वोट? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय। कल हम लोग मिनट्स और उसके इंस्पेक्शंस के बारे में करेंगे। टुमारो क्लास इज एट नॉर्मल टाइम, आई सी यू एट 8 इन द मॉर्निंग, ओके? And you all will have a 15 minutes break right now.
Ma'am will be starting the class at 11 o'clock. Okay, thank you so much. See you tomorrow. Bye-bye. थोड़ा सा होमवर्क दिया है पोस्टल बैलेट उतना लिख के आ जाना ठीक है.